देख रहे हैं कि एक काला पुरुष एक बैल को लोहे के दंड से पीटता हुआ ले जा रहा है। कौन है आप? मेरा नाम कलयुग है। कलयुग है? हाँ, क्यों पीटते हो? गाय से पूछा आप कौन है? गाय बोली मेरा नाम पृथ्वी है। आपका नाम पृथ्वी है? हाँ। तुम कहां जा रही हो? हमारे भैया धर्म को प्रकोति धर्मा धर्म को पीटते हुए ये काला पुरुष हमको ले जा रहा है, तो मैं कहां रह सकती हूँ? परीक्षित ने कहा भगवान स्वधाम को क्या चले गए, तुम्हें दंड देने वाला कोई नहीं है? होश में नहीं हो? धनुष्मान उठा लिया, होश में नहीं हो? कलयुग बोला स्वामी जी मैं गलत आदमी हूं, लेकिन मेरे अंदर कुछ भलाई भी छुपी हुई है। क्या छुपा हुआ है? कल कर एक पुनीत प्रतापा, कल कर एक पुनीत प्रतापा, कल कर एक पुनीत प्रतापा, शरण हो नहीं पापा, मान शरण हो नहीं पापा, हो नहीं पापा। कलयुग में मन से सोचे हुए पुण्य लग जाते हैं, लेकिन मन से सोचे हुए पाप नहीं लगते हैं। बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा। एक लड़की ने कहा कि हमारे अंदर ऐसा लड़के से शादी करेंगे जिसमें 100 गुण हो। बाप मास्टर, बड़ा लड़का देखे, कोई 100 गुण वाला लड़का नहीं मिले। एक गांव में फंस गए सर, तेरा साइड में जीतू की साइड में फंस गए। हाँ, उसने कहा भाई साहब शादी करेंगे आप? हाँ करेंगे। अच्छा भाई साहब आपका लड़का करता क्या है, आपको इससे क्या मतलब शादी करेंगे? लड़के को बुला दे रहे। लड़का आया, लड़के ने देखा गांव का प्रधान बेटा है, मौसा जी सामने बैठे हैं। बताइए बेटा आपके अंदर गुण कितने हैं? लड़का बोला आज तक जितने देखने वाले आए वो यही कहते थे, बेटा हाई स्कूल कहां से किया, इंटर कहां से किया, बीकॉम बीए कहां से किया, क्या करने का विचार है? हाँ, लेकिन ये अजीब आदमी आया, ये कह रहा है तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं। लड़के ने विचार लगाया, लड़के ने कहा 98 है। 98 है? 98 है? बाप ने लड़की को टेलीफोन लगाया, बेटा 98 गुण वाला लड़का मिल गया है, अब ये स्लो मत करना, दो ही अब गुण है, अब मेरा सिस्टम खराब हो जाएगा। लड़की बोली कोई बात नहीं पिताजी, कर दो, दो हम कर लेंगे एडजस्ट। एम कॉम बी एड लड़की, शादी होके लड़की आई, उसने बड़ा कहा स्वामी जी बड़ी मिन्नतों के बाद मिले हैं, 500 लड़के मैंने कैंसिल पिताजी से करा दिए, शादी नहीं की, एक आप ही मेरे भाग्य में थे। हाँ, जो शादी हुई है एक आप ही थे जो मेरी शादी हुई आपके साथ, बड़ी मिन्नतों के साथ मिले हैं, आप इतने गुणवान जो ठहरे। हाँ स्वामी जी आपके अंदर 98 गुण कौन कौन से हैं? लड़का बोला रात को 12 बजे तेरे पास गुणों की फाइल लेके बैठा हूं, 98 गुण कौन कौन से हैं? लड़की ने माथा पटका, लड़की ने कहा कुछ क्रैक लगता है,
लड़की ने दोबारा उलट पलट के पूछा, स्वामी जी आई एम सॉरी, गलती हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 98 गुणों की फैलने की दूरी बैठे, लेकिन स्वामी जी वो दो अवगुण तो आपको मालूम ही होंगे जो रह गए आपके अंदर। लड़के ने कहा पीछे पड़ के रह गई, छोड़ती नहीं है पीछा। लड़के ने कहा एक मानता नहीं हूं। लड़की बोली अब हम आ गए तो मनवा देंगे, नहीं समझे। एक लड़का इंजीनियर, एक लड़की इंजीनियर, शादी होके विदा हो रही, लड़की रोए, लड़की रोई तो लड़का रोने लगा। लड़की ने आंखें निकाली, इंजीनियर क्यों रोते हो? लड़का बोला तुम क्यों रोती हो? लड़की बोली तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं अपने माँ को छोड़ के जा रही हूँ, अपने बाप को छोड़ के जा रही हूँ, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के जा रही हूँ, अपनी ननद को छोड़ के जा रही हूँ, तुम क्यों रोते हो? लड़का बोला तुम घर पहुंच के छोड़वा दोगी। सारे नहीं कहेंगे, ज्यादा नहीं कहना, रोटी बचानी, सिस्टम खराब हो जाएगा। एक मैं जानता नहीं हूं, एक मैं मानता नहीं। लड़की बोली हम आ गए हम जन्मा देंगे। लड़का बोला तुम जन्मा दोगी? हमारा बाप हमको नहीं जन्मा पाया, हमारी माँ हमको नहीं संभाल पाई, तू हमको संभालेगी? मेरे जिंदगी में बाप की नहीं मानी तो तेरी क्या मानूंगा, मैं मानता किसी की नहीं हूँ। लड़की ने माता पटका, ये तो पूरे के पूरे बेकार है। तो कलयुग क्या कह रहा है, स्वामी जी मेरे अंदर गुण है, सत्य पित्रता दापर में बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठानों से फल मिलता था, वो केवल नाम से मिल जाता है। अब मुझे आप मारो मत, मुझे कहीं रहने के लिए स्थान दे दो, धन्य वो राजा है जो स्थान दे देता है, स्थान दे दो। परिचित ने बड़ा खोपड़ी लगाई, गलत आदमी है, आदमी भला नहीं है, कहां स्थान दूं? परिचित ने खोपड़ी लगाई कि जहां कोई नहीं जाता वो भला आदमी, वहां स्थान दो। कहां? धूतम। धूतम आप लोग समझे, संसद साहित्य के विद्वान बैठे हैं आप, धूतम तो आप लोग समझते ही होंगे, इक्का बादशाह बेगम, हाँ समझते हैं। पानम, पानम बगल में ही है वैसे तो शायद, पानम जुआ घर जाइए, शराब घर जाइए, स्त्रियां सोना वैश्याले जाइए, यत्र वर्ण चतुर्विधा, जहां हिंसा हो रही हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, वहां जाइए। परिचित का महाराज, वैश्या घर जाएं, जुआ घर जाएं, शराब घर जाएं, हैं हिंसा लड़ाई झगड़े में जाएं, कोई भला जगह दे दो हमें, हाथ जोड़ के कह रहे हैं आपसे कुछ अच्छी जगह एक दे दो। परिचित ने कहा अन्यायो उपार्जितम वित्तम, अन्याय की कमाई से खरीदे गए सोने में चले जाइए। जो लोग कहते हैं कि कलयुग है, इन्हीं स्थानों पर कलयुग है, कहां कहां? जो भी आपको बताया है, धूतम पानम, हाँ जुआ घर, शराब घर है ना, वैश्या घर, हिंसा और अन्याय की कमाई से खरीदे गए सोने में, यही कलयुग है। और जब सब जगह कलयुग होगा तो भागवत मंदिर, सब मंदिर गुरुद्वारे बंद हो जाएंगे। जोर से बोलिए जय श्री राधे, और जोर से बोलिए जय श्री राधे। स्थान दे दिया, और जब स्थान दे दिया तो एकला धनुर्धिम विचरण मृगया बने, ये एक बार शिकार खेलने गया, शिकार खेल के वापस लौटा तो इसको प्यास लगी, समीक ऋषि के आश्रम पर पहुंच गया। जरा संध वाला मुकुट लगा सोने का, और नीच आदमी की क्वालिटी होती है क्या, जही ते नीच बड़ाई पावा, Thank you.
आदमी ने कहा, किसने किसने दिया स्थान रहने को? परीक्षित ने, और परीक्षित पे हमला कर दिया। किसने? कलयुग सवार हो गया। ए समीक महात्मा पानी पिलवाइए। देश का राजा सामने खड़ा है और ढोंगी बाबा ढोंग करके बैठा है, जल पिलवाइए। समीक ऋषि समाधि में थे, गुस्से में आके राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प पड़ा था वो समीक ऋषि के गले में डाल दिया। और जब समीक ऋषि के गले में वो सर्प डाल दिया तो बच्चों ने जाके सरंगी से कहा, तुम्हारे पिताजी के गले में राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। सरंगी जवान है, जवानी अंधी है, बुढ़ापा लंगड़ा है। जवानी कर सकती है, बुढ़ापा देख सकता है। एक जगह आग लगी है, एक अंधा और एक लंगड़ा फंसा हुआ है। अंधे ने कहा, ताऊ जी लगता है आज दोनों मरेंगे। लंगड़े आदमी ने कहा, घबराइए मत, आप मुझे अपनी पीठ पे ला दिए। उस अंधे ने लंगड़े को पीठ पे लाद लिया तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, वो लंगड़ा रास्ता बताता चला गया, अंधा निकलता हुआ चला गया, दोनों बच गए। हाँ, तो उस देश को जवान आदमी की भी जरूरत है और बुढ़ापे की भी जरूरत है। अगर जवानी अगर बुढ़ापे का परामर्श ले ले तो बात बन जाएगी, बात बिगड़ेगी नहीं। और जवान आदमी स्वयं ही सब कुछ निर्णय ले ले तो कहीं ना कहीं मामला फंसा जाएगा। संगी ऋषि ने समीक ऋषि से कोई एडवाइस ना लेते हुए बिना पूछताछ के श्राप दे दिया, इत लंगित मर्यादम तच्छके सप्तमे अहनी। तुमने मर्यादा का उल्लंघन कर दिया। पहले जमाने में पत्र लिखे जाते थे, नीचे लिखा जाता था इति मर्यादा से पूर्ण, इसमें तुमने मर्यादा कहीं छोड़ी नहीं, इसलिए श्राप देता हूं, यही तक्षक सात बजे तुमको डस लेगा। समीक ने कहा, सरंगी बेटा, संतों का कोई मान नहीं होता, संत ना छोड़े संत ही, चाहे कोटिक मिले असंत। हाँ, संत अपनी संतता नहीं छोड़ता, मले भोग गई बेदिया शीतलता ना संत। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो छड़े रुष्टा, छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, संत का हृदय जब नवनीत होता है। बेटा ये अपमान तुमने गलत कर दिया, अब कह दो जाके परीक्षित, तुम्हारे मरने में 7 ही दिन बाकी है। तो सबके मरने में 7 ही दिन है साहब, तो 7 दिन में कौन कौन तैयार है नगला जसुआ से? वैसे तुम्हारे लिए कोई फैक्ट्री खाली नहीं है, एक दो कह रहे बेचारे सताए हुए हैं वो, बाकी कोई हाथ उठा नहीं रहा। ऐसा कोई हमारा ले जाने का इरादा थोड़ी, तो भागवत किसको सुनाएंगे? अरे 7 ही दिन में जाना है, जो रविवार को आया कोई सोमवार को जाएगा, कोई सोमवार को आया मंगलवार को जाएगा, और कोई मंगलवार को आया बुधवार को जाएगा, कोई गुरुवार को जाएगा, कोई शुक्रवार को जाएगा। जाना सबको 7 ही दिन में है, रहना किसी को नहीं है। हाँ परिचित जी, 7 दिन तुम्हारे शेष बचे हैं, अब तुम्हें जाना पड़ेगा। परीक्षित जी ने घरवार छोड़ दिया और संतों के बीच में बैठ गए। कौन कौन संत बैठे हैं? अत्रैर वशिष्ठ चमनाः सरत्वाई भृगुरंगिनश्च पराशरो गादिसुतो अतराम उत्तया इन्द्र प्रमदेव बाहू। अत्रि वशिष्ठ पाराशर परशुराम विश्वामित्र, इन सबके पास 7 दिन में कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, नहीं 7 दिन में कोई उपाय नहीं है। मरना सभी का तय है, लेकिन तभी वहां पर सुखदेव जी महाराज का प्राकट हुआ। तत्रा भगवान व्यास पुत्र जलक्षरया गामतमानु अन्नयू
कालच्छलिंगो निजलावतुष्टो प्रच्छवालयीर बधे बधूतवेखः। सोलह वर्ष के सुखदेव जी को एक एक युग जिनके सामने बीत गए वो दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। हमारे यहाँ ज्ञान से उम्र का ताल्लुकात नहीं है, ज्ञानो वृद्धता वृद्धः, जो ज्ञान में श्रेष्ठ है उसी को हमारे यहाँ श्रेष्ठ माना गया। क्या चक्कर है स्वामी जी परीक्षित जी हैं, ये इनको श्राप लग गया है, सात दिन में मरना है, सात दिन में। तो घबराइए मत, राजा खटवांग ने तो ढाई घड़ी में पा लिया था, तो घबराओ मत परीक्षित जी। यहाँ प्रथम स्कंद बिल्कुल बाइंड अप है, दूसरे का पहला अध्याय। हाँ बरिया लेते प्रश्न कृतो लोक तो नृपा आत्मीय विचस्मत पुरुषाम स्रोत व्याज सूर्या पराहा। तुमने लोक के लिए प्रश्न पूछा है इसलिए घबराइए मत। मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए और प्राणी मात्र का कर्तव्य क्या है, ये दो प्रश्न किए हैं। मरने वाले को क्या करना चाहिए, ऐसा पंडाल में कोई नहीं है नहीं जानता हूं मरने वाले को क्या करना है, बोलो। जमीन दबाए, मेड़ दबाए, प्लाट दबाए, मकान पे कब्जा करे, मरने वाले आदमी क्या करे बताओ। अरे मरने वाले आदमी को क्या करना चाहिए, उसे तो भगवान का भजन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, भगवान का भजन। तो गा लीजिए दो दो लाइन फिर आगे बढ़े। मीठे रस से भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मैंने करो करो यमुना जी को लाए हैं आप लोग, नहीं लाए हो तो फोन करके मंगा लीजिए, सबके पास है। अरे तो हाथ ऐसे दिखाइए, मैं कैमरा वाले भैया से कहूंगा सबको दिखाइए इधर। Thank you.
कान्हा जी तो सामन सामन था गोरी गोरी
जित स्वांसो जित संगो जितेंद्रिय। हे राजन थोड़ी देर के लिए आप आसन लगा ले सभी, थोड़ी देर के लिए ऐसे सीधे बिल्कुल बैठ जाइए सभी। जिताश्वनो जिनको लगता है कि पूजा में हमारा मन नहीं लगता, पूजा करने बैठते हैं तभी हमको झंझट याद आते हैं, हमारे दिमाग में कुछ उल्टा सीधा इधर उधर की चलती रहती है, कब जब हम पूजा में बैठते हैं तो वो सीधा आसन लगा के सीधा बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी को सीधा करेंगे। जिताश्वनो हाँ जित श्वासो, एक आदमी को 21,600 श्वासे आता है। जित संगो जितेंद्रिया, फिर इंद्रियों का संग करके जितेंद्रिय हो जाता है। संग संग मतलब संग निर्माण हेतु, संग हमारे जीवन का निर्माण करता है। एक होता है सत्संग और एक होता है कुसंग। सत्संग बड़ी देर में समझ में आ पाता है और कुसंग 2 मिनट में समझ में आता है, नहीं समझे? जैसे मान लो आपको 200 लीटर पानी मीठा करना हो, अरे तो 10-5 किलो चीनी चाहिए कि नहीं चाहिए उसे डालने के लिए? चाहिए, तब मीठा होगा। अच्छा 200 लीटर पानी खराब करना हो, 2 बूंद मिट्टी के तेल की डाल दो, अच्छा 2 बूंद डीजल की डाल दो, बोलो तो कुसंग हमारे जल्दी समझ में आता है और सत्संग हमारे देर से समझ में आता है ना। तो साधना के लिए कम से कम 24 घंटे में 4 घंटे का समय तो दीजिए, एकांत में रहिए 4 घंटे। अब ये साधना वाली बात आपके थोड़े दिमाग में कम घुसेगी, थोड़ी सी कह देने चलो, 24 घंटे में 4 घंटे नहीं तो कम से कम 1 घंटा तो रहिए। मुनैर एकांत जीवनम, एकांत जीवन, 2 आदमी होंगे तो वार्ता होगी, एकांत में रहना चाहिए। अच्छा बताओ कान कितने, बोलो बोलो ना, मोटा मोटा जोड़ो, 2, नाक 2, और 2 ही तो है, 2, अच्छा आंख 2, अच्छा वाणी जीभ 1, इसका मतलब सुनो ज्यादा देखो ज्यादा बोलो, पुराने बुजुर्ग कहते थे बोलो चालो बको मत, बोलो चालो बको मत, चलो फिरो पर थको मत, खाओ पियो लेकिन छको मत। हाँ देखो पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये 5 तत्व हैं, फिर 5 में से 25 बनाए, पृथ्वी अस्थि नाड़ी रोम मज्जा जल नार लाल मूत्र अग्नि भूख प्यास आलस निद्रा कांति आकाश सो संयत सुस्ता भूख लगना चिंता करना वायु फैलाना दौड़ाना चेष्टा करना 25, फिर 10 नाड़ियां इड़ा सुषुम्ना गांधारी गजध्वजा पयस्विनी अलम्बुजा क्रूर आकाश संकिनी 10 इंद्रिया वचन पैर गुदा उपस्थ भग आंख कान नाक जीभ त्वचा 10 प्राण प्राण अपान समान उदान व्यान क्रूम कैकलप देवदत्त धनंजय 5 गुण रूप रस गंध स्पर्श शब्द, फिर 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां 3.5 करोड़ रोए 7 लाख बाल 20 नाखून 32 दांत 4,000 तोले मांस 448 तोले मेधा 360 अस्थियां 12 तोले पित्त 2 पाव धातु और 25 तोला कप। इससे आदमी कम में जिंदा नहीं रह सकता, इतना उसको बॉडी में चाहिए चाहिए, तब जाके ये मानव का शरीर
लेकिन साधना के लिए बिन गुरु होए कि ज्ञान और ज्ञान की होए विराग गुरु, ये बिना गुरु के ज्ञान के संभव नहीं है। तो ज्यादा नहीं हो तो मौन एकांत में रह के हाँ ओम नाम का जाप जिंदगी में बन जाए तो बड़ा अच्छा है। और सुबह प्रातः कालीन बेला में उठिए तो पुराने बुजुर्ग कहते थे कराग्रे बस्ते लक्ष्मी कर मत दे तू सरस्वती, हाथ देखिए फिर समुद्र वसने देवी है ना, पर्वत स्थल मंडले विष्णुपति क्षमा देवी पाद स्पर्श क्षमा सुमे, हमारी क्रिया में था ये सब हम करते थे, पुराने बुजुर्ग सब करते थे। सुबह अपना हाथ देखो चारपाई से नीचे पैर पहले रखो नहीं पृथ्वी को प्रणाम करो, ये हमारे यहाँ क्रिया होती थी। सुबह 4 बजे जगो फिर सूर्योदय से पहले स्नान हो जाए बढ़िया बात है, ज्यादा नहीं कहेंगे मान लो गोविंद भगवान की तो गड़बड़ हो जाए मामला। जोर से बोलिए जय श्री, और जोर से बोलिए जय श्री, और जोर से बोलिए जय श्री। यहाँ पर द्वितीय स्कंद विराम होता है, तृतीय स्कंद में थोड़ी सी चर्चा मैं कर दूं। यहाँ पर विदुर जी का संवाद आया है, किनका संवाद आया है विदुर जी महाराज का, थोड़ी सी बात कह दूं, इशारा घड़ी का हो गया, थोड़ी सी बात कह दूं क्योंकि चौथे स्कंद तक मुझे पहुंचना है। जोर से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। विदुर जी का उद्धव जी से मुलाकात हुआ है, बोले भगवान ने मेरे बारे में पूछा था क्या, हाँ मुझे बताया था विदुर जी क्या, बोले एक दिन विदुर के यहाँ पर भगवान पहुंच गए, दुर्योधन ने कहा 56 प्रकार के व्यंजन रखे उन्हें खा लो, ना 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 मेरा नौता तो विदुर काका के यहाँ। विदुर काका बोले कब नौता हो गया, किसने नौता कर दिया पता ही नहीं चला, दौड़े दौड़े बाजार गए लेकिन तब तक भगवान पहुंच गए विदुरानी के यहाँ। बचन अनमोल सुन ध्यान सब उछट गयो, लगन उठाई ब्रजराज की बानी सुन, दौड़ी दुरानी प्रेम जब प्रकट गयो, आज हरियाई विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, विदुर घर पावना, आज हरियाई विदुर घर पावना। Come on.
सब उद्धव जी सुन हो रहे हैं, बड़ा खुश हो रहे हैं। अब मुझे बताइए मैत्री जी कहाँ मिलेंगे? बोले मैत्री जी आपको हरिद्वार में मिलेंगे। हाँ, हरिद्वार में पहुंचे हैं। यहाँ से मैत्री और विदुर का संवाद शुरू हुआ है ना। फिर सृष्टि का यहाँ पर सृजन हुआ है, भगवान की नाभि, नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा। हाँ, क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी ने कहा तप करिए। 100 वर्ष तक तप किया। अब क्या करें? चार बेटा पैदा हुए, सनक, सनन्द, सनातन। क्या करें? सृष्टि का सृजन करो। फिर क्या होगा? फिर मर जाओगे, फिर सृष्टि सृजन में लग जाओगे, फिर मर जाओगे। तो इस फिर से छुटकारा मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है। कैसे? बोले बाबा बन जाओ। चारों बेटा बाबा बन गए। रुकिए, कहाँ जाते हो? बोले कमांडर, उठाने दो, जाने दो, वो तो बाबा बन गए। ब्रह्मा को क्रोध आ गया, एक नीलबल का बालक पैदा हो गया। बोले रुद्र भगवान की। अब रुद्र ने संरचना शुरू की, तो कोई मोटा इतना बना दे, कोई कुबड़ा ऐसे बना दे। ब्रह्मा बोले चार बेटा बाबा हो गए, रुद्र की संरचना बिल्कुल बेकार, उल्टा सीधा आदमी बनाया। अरे बड़ा हिसाब किताब से आप लोगों को बनाया गया, ऐसे थोड़ी बनाया गया। अरे बड़ा गलत लगाया। हाँ, रुद्र की भी संरचना बंद की। अब मन पवित्र किया। हाँ, 10 बेटा पैदा किए। और स्वयं भव मनु पैदा हुए। स्वयं भव मनु अरु सतरूपा, जिनसे भई मेरे सृष्टि अनुपा। फिर इनसे सृष्टि का सृजन हो, लेकिन सृजन कहाँ हो? सृष्टि जलमग्न है। जलमग्न सृष्टि को लाने के लिए 12 भगवान ने अवतार लिया है। बोलिए 12 भगवान की। हाँ, दिति ने आशसु की कश्यप महात्मा की पत्नी है। दिति अदिति के देवता है और दिति के राक्षस हैं। तो यहाँ पर संध्या बंधन कर रहे हैं। दिति ने रति की कामना जाहिर की। और दोनों वक्त जब लग रहे हो तो रति नहीं करना चाहिए। संतान को पात्र पैदा हो जाएगी, राक्षस पैदा हो जाएगी। पढ़ोगे तो पढ़ाई बेकार हो जाएगी। दोनों वक्त पुरानी अम्मा जाती थी, उस जमाने में लाइट सिस्टम नहीं था। और बेटा को कितना भी भूख लग रही हो, वो पहले दिया जोड़ो, उसके बाद खाना खाओगे। तो दोनों समय जब लग रहा हो तो भगवान की आरती प्रसाद ये करना चाहिए। दोनों समय जब सूर्य और चंद्र का मिलन हो रहा हो, ये काम यहाँ पर नहीं करना चाहिए। भोजन नहीं करना चाहिए, विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए, है ना। और ढेरी पर नहीं बैठना चाहिए। ये यहाँ पर बारीकी बारीकी गति नहीं करना चाहिए। इनके कुप्रभाव सामने आएंगे। और जब दिति को ये मालूम पड़ा कि मेरी संतान राक्षस पैदा होगी, तो 100 वर्ष तक दिति ने अपने बच्चे को जन्म ही नहीं दिया। उसके तेज से चारों तरफ हाहाकार मच गया। देखो, साइंस अभी तक नहीं पहुंचा। 100 वर्ष तक पेट में रखी रही। बेटा पैदा हुए हिरण्याक्ष, और हिरण्याक्ष बोलो गोविंद भगवान की। हिरण्याक्ष 100 वर्ष का वो तो पैदा हुआ है, तो वो तो सीधे जवानी पैदा हुआ है। और पैदा होते ही तलवार लेकर कह रहा है, कोई है? कोई आए सामने? कोई है? सबने हाथ जोड़े, भाई साहब, बाबू जी, तुम्हारे सामने कोई नहीं? इंद्र है, इंद्र भाई साहब, सिंहासन खाली।
तो बताओ कौन है? बोले पाताल में अभी एक सनातन पुरुष गए, वो तुम्हारी टक्कर के लगते हैं। पाताल में कूद गया और जब पाताल में कूदा तो बारह भगवान मिल गए। बारह भगवान से बोला ये हमारे बाप दादों की जमीन कहां ले जा रहे हो? यहाँ पर भगवान का बारह भगवान का हिरण्याक्ष वध हुआ है, युद्ध हुआ है, हिरण्याक्ष को मार के बारह भगवान पृथ्वी को लेके आए हैं। देखो अपने सत्य स्वरूप का मनन करना ही मन है। छोरी ज्यादा नहीं कर सकता, समय की बाध्यता है, थोड़ी बात सब्जेक्ट समझ लो। अपने सत्य स्वरूप का मनन करना ही मनस्वी है। नहीं समझे? जैसे मान लो पैर में सेप्टिक हो जाए, डॉक्टर बोले नहीं पैर काटना पड़ेगा। डॉक्टर साहब पैर कट जाए पर मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, हाथ कट जाए पर मुझे कुछ नहीं हो जाए, पेट फट जाए ऑपरेशन हो जाए पर मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, तो मैं कौन हूं? मैं कोई राम स्वरूप, कोई खिलाड़ी सिंह, कोई लेखपाल सिंह नहीं हूं। मैं कौन हूं? अपने सत्य स्वरूप का बोध हो जाए, चिदानंद रूपाय शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि। जब अपने सत्य स्वरूप का मनन हो जाए तो उसी को मन कहते हैं। और जहां सत्य स्वरूप का मन हो जाएगा तो वहां देवीय गुण आ जाएंगे, और जब देवीय गुण आ जाएंगे तो वहां पर देवहूति आ जाएगी, जो पति के प्राणों में आहूति लगा देगी। हाँ, यहां पर मन शत्रुपा जी हुए और मन शत्रुपा जी की सृष्टि का सृजन यहां पर प्रारंभ हुआ है। और कर्दम महात्मा के साथ देवहूति की शादी की गई है। बोलो गोविंद भगवान की जय, जोर से बोलो जय श्री। हाँ, और कर्दम महात्मा के साथ देवहूति की शादी की गई है। नौ लोकपालों का विहार किया है, नौ कन्याएं पैदा हो गई हैं। शर्त रखी गई है कि एक बेटा होते ही जंगल में चले जाएंगे तप करने के लिए। अब वो पहले ही जाने लगे तो देवहूति ने कहा स्वामी ऐसे मत जाइए, बेटा की शर्त थी। हाँ, तो कुछ दिनों बाद कपिल भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए कपिल भगवान की। अच्छा, भगवान घर में जन्म लेके आए और महात्मा जी कहाँ गए? जंगल में तप करने। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, घर में भगवान आ गए और वो कहाँ गए? जंगल में तप करने। सुंदर सा आसन लगाया है और आसन लगा के देवहूति ने पूछा है, बेटा हाँ ये इंद्रियां बहुत सताती हैं, क्या इंद्रियां गलत हैं? माता आंख गलत नहीं है, कान गलत नहीं है, जिभ्या गलत नहीं है, तो कौन गलत है? ये इंद्रियों पर जो एक राज करता है उसका नाम है मन। कौन राज करता है इंद्रियों पे? मन। ये मन बहुत बड़ा राक्षस है। ये मन अभी तुम्हारा सादाबाद में पहुंच जाए, कहो तो हाथरस पहुंच जाए, हाथरस से सीधे आगरा आ जाए, और कहो तो दिल्ली पहुंच जाए। ये मन का खेल निराला है। हाँ, इसलिए मन को कंट्रोल करना बड़ा दुश्वार है। चंचलम ही मना कृष्ण बलवर्धिकम, इसलिए इस मन को कंट्रोल करना बड़ा दुश्वार है। इसलिए मैया मन को कंट्रोल करो। इंद्रियां तो बड़ी अच्छी हैं, इंद्रियां गलत नहीं है, इंद्रियां तो बड़ी सहज स्वभाव की है। हाँ, निर्वणा नित्राम भूमन सा इंद्रिय दर्शनात ये संभाव्यमाने न प्रपमन्नाद तमा प्रभो हो भोगा न भुक्ता वैमेव भुक्ता। हाँ, हम जिस भोग को अपनी जिभ्या पर लगाते हैं वो भोग को भोगते भोगते हम तृष्ट नहीं होते, हम उसी में नष्ट हो जाते हैं। कालेन माता बैमेव माता जन्मदिन अपना नहीं मनाए तो ठाकुर का मनाए, क्योंकि एक वर्ष में एक वर्ष कम होती चली जा रही। बोलो गोविंद भगवान की। तुम्हारे गणित में हमारे गणित में अंतर है। हाँ, हैप्पी बर्थडे टू यू आया तो तुमने बड़ा जश्न मनाया, लेकिन तुम्हारी एक बरस कम हुई या घटी? बोलो बोलो ना। वो तो घट रही है, बढ़ थोड़ी रही है। तुम हो गए, हम हो गए 12 के, हम हो गए 15 के, हम हो गए 28 के, हम हो गए 38 के, तो माइनस करो फिर उसमें से। आप प्लस कर रहे हो कि हम तो प्लस हो गए? प्लस नहीं हो गए, माइनस हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ,
बुझ गयो दीप निपट गई बाती, अब तो चल ले चल हो रहा है। जब तक तेल दिया में बाती, ये जगमग जगमग हो रहा है। जब तक उम्र रूपी तेल तुम्हारे दिया में पड़ा है, तब तक जगमग हो रहा है, और जब तेल समाप्त हो जाएगा तो बाती भी निबड़ जाएगी, ज्यादा देर तक ठहरेगी नहीं। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ, ये बड़ा सुंदर सुंदर बड़ा सुंदर उपदेश यहाँ पर किया है, अष्टांग योग का दर्शन कराया है, यम मैया को बताया है, नियम बताया है, आसन बताया है, प्राणायाम बताया है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बड़ा अच्छी चीज, अहिंसा, परमो धर्मा, बड़े अच्छा अच्छा सुंदर उपदेश यहाँ पर मैया ने दिया है। यहाँ पर यही भरा हुआ है, अब मैं इसमें ज्यादा चिंतन नहीं कर सकता। सीधे चतुर्थ स्कंध और पहले अध्याय पे हम पहुंचेंगे, है ना। जोर से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, यही हमारे कथा का विश्राम भाव होगा। हाँ, और यहाँ पर एक छोटी सी कथा जो नौ कन्याएं हैं उनपे अनसुईया मैया की कथा आती है। दो लाइन इस पे बोल दे, आगे बढ़े। चित्रकूट के घाट पर भीषण तन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे सुत लग देत रघुवीर। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी बन की घास, जब कृपा हुई रघुनाथ की तो हो गए तुलसीदास। यहाँ गंगा मैया का अभिमान दूर किया। गंगा एक बार महली हो गई, माता सती के यहाँ नारद बाबा पधारे, अपने पतिव्रत धर्म के झीटे लगा दो, गंगा के पाप धुल जाए। लेकिन तीनों देवियां पाप नहीं धो पाई तो कह दिया अनसुईया के यहाँ चली जाती, वो पाप धो देती। हाँ, तीनों देवता घर में आए तो अनसुईया के यहाँ पर पहुंच गए, तीनों देवताओं को बारे बारे सा बालक बना लिया छोटा। हाँ, जो माँ हमको निर्वस्त्र होके दुग्ध पान कराएगी, हम वो दुग्ध पान करेंगे, हम कोई कंदमूल फल नहीं खाएंगे। तो क्वा क्वा कर से अनुहार सजोवन लागे। छोटे कोई छह महीना का, कोई आठ महीने का, कोई दस महीने का। अब जब देवियों को मालूम पड़ा तो देवियां क्षमा मांगने के लिए माता अनसुईया से गई, ये हमारे पतिदेव हैं, इनको वापस कर दीजिए। हाँ, तो माता अनसुईया ने जन लिया, जो मोरे पति कर्म से पति कर हो निज ध्यान, तो तीनों देव साधु बने शिशु अबोध अज्ञान। ये हमारी माता अनसुईया ने करके दिखा दिया। एक विदेशी आदमी बोला, हमारी माँ में ऐसा क्या है जो आप भारत को भारत माता की जय बोलते हैं। मैंने कहा, तुम्हारी माँ में और हमारी माँ में अंतर है क्या? हमारे देश का कल्चर है, हमारे माँ जो होती है वो सिर्फ अपने पति में ही पतिदेव का दर्शन करती है, भाई बाकी को भाई के रूप में देखती है। लेकिन तुम्हारे देश का कल्चर है, तुम्हारे देश में अगर बुआ भतीजे के लिए राजी हो जाए शादी करने तो हो जाए, है ना, सगी चाची राजी हो जाए तो हो जाए, सगी मौसी राजी हो जाए तो दोनों कोर्ट मैरिज कर लो और शादी हो जाए। लेकिन ये तुम्हारे देश का कानून कहता है, लेकिन ये हमारे देश का कानून कहता है कि हमारे देश की माता चाहे शराबी मिल जाए, चाहे ज्वारी मिल जाए, चाहे कबाबी मिल जाए, पूरा जीवन उसके साथ काट देती है, है ना, लेकिन साड़ी पर अपने पर दाग नहीं आने देती है। ये है भारत की सभ्यता और ये है भारत की मर्यादा। बोलिए भारत माता की, सती अनसुईया की। ये हमारी भारत का कल्चर है कि कितना भी अपने आप को दुखी सहलेगी लेकिन कहीं अपने साड़ी पर दाग नहीं आने देगी, सफेद दागी साड़ी पर कभी आंच नहीं आने देगी। ये भारत का कल्चर है, ऐसी माता अनसुईया हुई है। यहाँ पर दक्ष प्रजा दक्ष को प्रजापतियों का राजा नियुक्त कर दिया गया है। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी और सभी देव पधारे हैं, सम्मान समारोह रखा गया है, भोले बाबा यहाँ पर खड़े नहीं हुए हैं। दक्ष को ये बात गलत लगी है, दक्ष ने कहा इस अशिव को, इसका नाम शिव है लेकिन ये अशिव है, इसको मैंने गायत्री जैसी भोली वाली बेटी की शादी कर दी। हाँ, ये तमोगुणी
ससुर का सम्मान करना नहीं जानता। मैं श्राप देता हूं आज से इसको कोई पूजा में भाग नहीं देगा। नंदीश्वर भृगु महात्मा बोले बड़ा गड़बड़ हुआ है। अरे ससुर का सम्मान करना चाहिए, सम्मान समारोह है, बड़ा गड़बड़ है। अच्छा किसी के घर में कोई बात हो रही हो तो पड़ोसी को बोलना नहीं चाहिए, बोलो गोविंद भगवान की कथा सिखा रही है कि पड़ोसी को मजे नहीं लेना चाहिए। घर घर में कोई बात हो जाए तो वो घर के हिसाब से कर लेंगे, पड़ोसी को बोलने का अधिकार नहीं है। और देखो पड़ोसी बोले कौन, भृगु महात्मा, तो उनको बिना मतलब में मुफ्त में प्रसादी मिल गई। हाँ नंदीश्वर बोले भृगु जी चबर 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 जीप चला रहे हो, भोले बाबा को श्राप लग गया, तुम खुशी मना रहे हो, जाओ अपने पद से विहीन हो जाओ, जाओ मांस मदिरा का सेवन करने लग जाइए। भृगु ने पर नंदीश्वर को श्राप दे दिया। अच्छा सम्मान किसका है, सम्मान समारोह हो क्या गया, श्राप समारोह। भोले बाबा वहां से उठ के चले आए। उस दिन का, उस दिन से ससुर जमाई का आना जाना बंद। और जब आना जाना बंद हो गया तो एक बार की बात है, थोड़ी सी बात कहने, क्योंकि भोले बाबा की शादी हमको करनी है अभी 10 मिनट में, बोलो गोविंद भगवान की। आप सुंदर आप देखेंगे दर्शन। हाँ एक बार की बात है, एक बार प्रेता जग उंगली पे जोड़ो, जग जननी भवानी, 8 शब्द, जग जननी भवानी, देखते रहना हमारी तरफ, 8 शब्द। कौन गई है, जग जननी भवानी। अच्छा एक होता है कथा में जाना और प्रसादी लेके आना आरती के बाद, और एक होता है कथा में जाना और बीच में उठ के हाथ जोड़ के निकल लेना। बाबा ये बाबा आपसे बड़ा कथावाचक है ये, हैं ये बाबा आपको कथा क्या सुनाएगा, आप दुनिया के सर्वोत्तम बड़े कथावाचक, ये बाबा कथा सुनाएगा, चलिए चलिए चलिए। तो आरती नहीं हुआ, विदा मांगी गई। हाँ मुनि संग विदा मांगे प्रभु रारी, संग चली कुमारी सैल कुमारी। अभी कौन थी ये, जग जननी भवानी, अब कौन हो गई, दक्ष की बेटी। तो तुम्हारा जितना सम्मान है वो सब भगवान के नाम से सम्मान है, तुम्हारा सम्मान भगवान के नाम से है। कथा सुनी नहीं, और यहाँ पर जैसे ही भोले बाबा को ने राम जी को देखा तो जय सच्चिदानंद आहा प्रणाम कर दिया। हरे बाबा तो भाई गोपड़ी
हे आदमी हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी अपनी घरवाली को ढूंढ नहीं पा रहा है, कबूतरों से पूछ रहा है, झाड़ियों के समूहों से पूछ रहा है मेरी घरवाली ढूंढने की। अरे साधारण आदमी की घरवाली खो जाए वो ढूंढ लाता है, है? और ये आदमी अपनी घरवाली नहीं ढूंढ पा रहा है, और इनसे आप सच्चिदानंद कह रहे? बाबा क्या हो गया आपकी बुद्धि में? देवी मैया भांति समझू समझावा, अनेक प्रकार से कहा देवी लीला कर रहे हैं, राम जी है, राम जी है, भगवान विष्णु के अवतार ही है, लीला हो रही, लीला, अरे खाक लीला हो रही। तब भोले बाबा को कहना पड़ा, जो तुम्हारे मन अतिशय परीक्षा ले जाओ, ज्यादा संदेह हो तो मेरी बात को मान जाओ। अब चली गई, अच्छा गई तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया भाभी आ रही है, चुप चुप चुप, तुम्हारी भाभी जिंदगी में आगे चली। ये रामायण सिखाती है जब पतिदेव के साथ चले तो उनके पीछे चले, ना कि आगे चले। बोलो गोविंद भगवान की। हाँ ये भाभी नहीं है, माता जी प्रणाम। अच्छा इसमें देखो भाव देखिए, भोले बाबा ने कहा माता जी प्रणाम, राम जी ने कहा माता जी प्रणाम, लक्ष्मण जी ने कहा भाभी माँ प्रणाम, तीनों की माता कैसे हो गई? अब कहां से शुरू करें? लक्ष्मण जी से शुरू करें ना। हाँ लक्ष्मण जी ने जानकी के रूप में देखा तो अपनी भाभी माँ को प्रणाम किया। अच्छा कोई भोले बाबा से कहे कि आप अपनी घरवाली को माँ क्यों कह रहे हैं? बाबा ये आप क्या कर रहे हैं? भोले बाबा मान लो संकेत कर रहे हैं, अरे अरे कोई घर का बालक हो मान लो और राम जी के भेष में आ जाए, या भोले बाबा बना के खड़ा कर दिया जाए, या हनुमान जी बना के खड़ा कर दिया जाए, बेशक बेटा हो लेकिन जब झांकी में, जब उनका झांकी में दर्शन करेंगे तो आए के प्रणाम ही करेंगे, बोले वो तो प्रभु का दर्शन है, अभी तो प्रभु के रूप में है, तो जो लीला कर रही है ये अभी जानकी मैया का रूप धारण किए हुए है, और जानकी मैया इष्ट की पत्नी है, उनको माँ मानते हैं, इसलिए भोले बाबा ने माँ कहा। बोले अभी लीला कर रही है और रंगमंच के कार्यक्रम में है तो इसलिए मैंने माताजी के प्रणाम कहा। शंकर भगवान शंकर, अब कोई राम जी से कहे कि आपने क्यों क्यों माताजी बोला? अरे आपने क्यों बोला? शंकर जी बोलते थे, आपने क्यों बोला? आपको तो नहीं बोलना चाहिए। बोले सुनिए साहब, ये माता है, मैं जानता हूं कि ये मेरी माता है, हाँ ये साक्षात शिव जी की धर्म पत्नी है, ये मेरी माँ है, और मेरे माँ के माँ जब सामने आएगी तो बेटा उनको माँ ही कहेगा, और क्या आएगा, बेशक रूप चेंज करके क्यों नहीं आए, बनावटी भेष ही क्यों ना हो, लेकिन आई तो माँ के रूप में है, देवी परीक्षा ले आई कि न प्रणाम तुम्हारे हूँ नहीं, प्रणाम आपकी तरह किया है, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, आप ही की तरह बस चलिए। आहार देवी मैया इतनी सहजता से आप कह रही हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, मैंने बड़ी अच्छी तरह समझाया समझ में नहीं आई, जैसे कोई हो जाए मान लो आदमी खूब कहे चलो देवी चलो घर चलो, देवी बोले नहीं हम नहीं जाएंगे, अरे भैया के जाते अभी रुकेंगे हम जैसे नहीं जाएंगे, और 10 मिनट बाद बैग लेके आ जाए चलो, आदमी कहेगा कोई बात है? नहीं कोई बात नहीं है, चलना है मूड हो गया आप चलना है, तो आदमी फौरन समझ जाएगा कोई ना कोई बात हो गई, झगड़ा हो गया आपस में, कोई ना कोई मामला जरूर घटा है। तो भोले बाबा ने सीधे अपना सीसीटीवी ऑन किया और सीसीटीवी का जैसे ही देखा तो मामला सारा समझ में आ गया, देवी तुमने मेरी माँ का स्वरूप धारण किया है, मैं तुमको अब पत्नी के रूप में वरण नहीं कर सकता, तुमने अब है मेरी माँ का किया है, तो अब माँ ही बनी रहो, है ना। अब यहाँ पर 87,000 वर्ष तक समाधि लग गया है, समाधि जब सुनी खुली है, तो समाधि जब खुली तो देखा कि विमान जा रहे हेलीकॉप्टर वायुयान, ये कहां जा रहे हैं?
ये तुम्हारे पिताजी के यहाँ। अच्छा पिताजी के यहाँ क्या हो रहा है? यज्ञ हो रही कनकल हरिद्वार में, बृहस्पति स्वर नामक यज्ञ हो रही। अच्छा तो हम भी चलेंगे। बाबा बोले हम नहीं जा पाएंगे। क्यों? हमारे मतलब आना जाना बंद है, हम नहीं जा पाएंगे। आप नहीं जा पाएंगे? नहीं। तो तुम्हारे ससुर के यहाँ, ऐसे नहीं बोला कि हमारे पिताजी के यज्ञ हो रही भागवत करा रहे, हमें जाना है तुम्हें आना हो तो आ जाने ना, नहीं आए तो भंडारे वाले दिन आ जाना, हमें निकलने दो और चलो या मत चलो, ऐसे नहीं बोला। तुम्हारे ससुर के यहाँ पर यज्ञ हो रही, देखो बोलने का भी तरीका होता है। हाँ तुम्हारे ससुर के यहाँ पर हो रहा, देखो। भोले बाबा बोले देवी बात पुरानी है, पूरा वृत्तांत बताया, ये घटना छिपी हुई है देवी, उस दिन से आना जाना बंद है। देवी बोले स्वामी जी मुझे जाने दो, मेरी बहन मिलेंगी उनसे मुलाकात होगी, जाने दो। भगवान ने दो गढ़ बोले जे मानेंगी नहीं। देखो परीक्षित जी सब जगह की बुराई करना, देखो यज्ञपति जी समझा रहे, देखो आप लोग बैठे हो जितने भी बैठे हो पंडाल में, ये हम सब कह रहे हो जो लाइव भी सुन रहे हैं, हाँ उनसे भी कह रहे हैं, सब जगह होश में बात गहरोस पने की कर देना, एक जगह ठिकाने की बात करना। अगर एक जगह तुमने गहरोस पने की बात कर दिया, गलत बात कर दिया, तो घरवाली को बर्दाश्त नहीं होगी। तुम घरवाली से कुछ भी कह लेना बर्दाश्त कर जाएगी, लेकिन एक बात मत कहना, मायके के पक्ष में अगर तुमने गलत बोल दिया हाँ फिर तो मामला गड़बड़ है, फिर शाम की रोटी का हिल्ला नहीं है, फिर तो काम खराब है, फिर तो मायके की बुराई तो बुढ़ापा आ जाए, 70 साल की हो जाए तो सुनना पसंद नहीं होता है, ये मायके के प्रति अनुराग मैया का होता है। चलिए अब मानेंगे नहीं, दो गढ़ भेजा, दोनों गढ़ गए। हाँ और जैसे ही भेजा तो अश्विनी भरनी कटका रोहिणी मृक्षरा आद्रा पनवसुप कखलेसा मगा पूर्वा फागुनी उत्तरा फागुनी हस्तुरा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वासार उत्तरासार श्रव धृष्टा रेवती से 2700 लाइन में लगी है। एक बोली सुन रही है? हाँ दच्ची की बेटी है, चंद्रमा को ब्याई गई है। सुन रही है? हाँ ये बिन्नौते के आ गई है। एक बोली बिचारी को ऐसा आदमी मिल गया है कि इसके घर से लिपटना के कुछ है नहीं। एक बोली क्या करे बिचारी की जिंदगी खराब। एक बोली नौता नहीं दिया फिर भी चली आई। एक बोली क्या करे बेचारी, महीना 2 महीने का राशन ले जाएगी, पिताजी दे देंगे और इसका घर चल जाएगा। बेचारी का बड़ा हिसाब किताब है, कह लेती है और मुस्कुरा देती है, कह देती है धीरे मुस्कुरा देती है। जिन बहनों के खातिर मैं घर से आई, बहनों ने कोई आदर नहीं दिया, खाली एक माता मिली, सादर भले मिली एक माने जरूर पूछा। और सुन लो आपको थोड़ा बात वैसी लग सकती है लेकिन कह दे रहा हूं, हाँ बेटी का मायका तभी तक है जब तक पिताजी है। आपके दिल को दिखाने का कोई मेरा इरादा नहीं है लेकिन सत्य कह रहा हूँ, बेटी का मायका तभी तक है जब तक पिताजी हैं, और जब तक पिताजी नहीं है तब तक बेटी का मायका फिर तो रिश्तेदार की तरह आ जा सकती है। हाँ और कह भी देती कोई बात भी हो जाए कि जब तक बाबूजी है तब तक आ रहे नहीं, वरना तुम्हारे घर कोई पानी नहीं पिए, तुम्हारा हिसाब बड़ा गड़बड़ हो गया है ना। हाँ लेकिन बेटी का मायका उस बाप से मिलने के लिए बेटी ने बड़ा के दिया। देखो बेटी शब्द 3 कुल में प्रकाश कर दे, जब कन्या शब्द की हम व्याकरण से विपत्ति कर लेंगे तब कन्या शब्द का निर्माण होता है। बेटी 3 अवस्थाएं 3 व्यवस्थाएं 3 कुल में जाएगी, 3 रूपों में जाएगी, 3 संविधान 3 संज्ञा 3 घर 3 रूपों में परिचय, 3 घरों में जाएगी, 3 को यश देगी, 3 नामों से पुकारी जाएगी, सदा ही 3 रूपों में वंदना होती है, पहले कुवारी फिर नारी फिर महतारी। ये किनकी बेटी है? फलाने सिंह की। अरे बड़ा अच्छी बेटी है,
शादी हो गई, ये किनकी बहू है? हाँ वे असबाब ने और फिर भी जलकर छुरी, गर्दन तब कसाब ने, खून गोश्त जो भी था पिना उस मजार में, कुछ बिक गया कुछ लुट गया, कुछ बिक गया बाजार में तो फकत हाथ रह गई, और मैं सुनाने के लिए ले गया नलदाप देखो धुनकी बनाने के लिए, और चोट सोटों की लगी तो तात भिन बनाने लगी, और मैं के बदले तुई तू की आवाज सदाने लगी। तबला तुई तू बोल रहा है ना, बकरे की खाल तुई तू बोल रही है, बोल रही है कि नहीं बोलती है, है ना? बकरा ने मैं नहीं किया, उसकी खाल को तू तू बोलना पड़ा, है ना? तो उसके ये बड़ा मैं करता था, लगा दो उसके पिसा हुआ केले का आटा इसको खिलाया गया और यज्ञ को पूरा किया गया। तो सती मैया बैल पे आरूढ़ होके गई, सती में श्रद्धा, हाँ, और कहां पर गई? हरिद्वार। देखो कि धर्म श्रद्धा धर्म पे सवार होके यज्ञ में जाएगी तो यज्ञ विकासकारी होना चाहिए, यज्ञ पूरा होना चाहिए, होना चाहिए, पक्की बात है। तो ये तो विनाशकारी हो गया, ये बात आपको बताएंगे ब्रेक के। बोलो गोविंद भगवान की, हाँ, जोर से बोलो जय श्री, और जोर से बोलिए जय श्री, और जोर से बोलिए जय श्री। यहाँ पर हिमवान सती मत हरिजन हरिशन बरमाना, जन्म जन्म पर से अनुरागा, तेई कारण हिम गिर गिरे जाही, जन्मी पार्वती तनु पाई। पार्वती मैया का जन्म हो गया, पार्वती मैया बड़ी हो गई, नारद बाबा आए, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेक। आहा, क्योंकि भागवत का विषय में ज्यादा चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि सबका ये मन था कि भोले बाबा की शादी होनी चाहिए, सती चर तक हम पहुंच रहे तो दो चौपाइयों में भोले बाबा की शादी करनी थी, इसलिए थोड़ी सी हम आपको इतना यहाँ पर दो चार भूमिका हम आपको बना के यहाँ पर प्रस्तुत किया। बोलो गोविंद भगवान की, जोर से बोलिए जय श्री, और जोर से बोलिए जय श्री, और जोर से बोलिए जय श्री। अब यहाँ पर मैया ने कहा जोगी जटिल समझ में नहीं आएगा, अकामी कामना है ही नहीं, नगन कपड़ा लत्ती से कोई मतलब नहीं, नारद जी चश्मा ठीक करो, अरे तुम एक भूत के गुण बता रहे या लड़का बता रहे, ये कोई तरीका है? नारद जी बोले इसके बाद कैसा कौन सा लड़का है जमाने में? बोले जो भी बाहु संकर सन हो तो दो सहु सनो कह सको जूती कपाट पे दीजिए, अरे कोई तरीका है? 60 वर्ष कोई दिग्विजय सिंह थोड़ी हो रहे हो। बोलो गोविंद भगवान की, हाँ, वो खेल खराब हो जाएगा वो तो मान लो, हाँ, नेता थोड़ी हो जो 60 वर्ष में कर लो 70 वर्ष में कर लो, ये तो खेल खराब हो जाएगा। बाबा बोले ये शादी नहीं करेंगे, निज नयन हम आपकी शादी देखना चाहते हैं, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, हाँ हम आपकी शादी देखना चाहते हैं, आज्ञा सुधार किया है और शादी के लिए उठे हैं, लेकिन बिना परीक्षा के हम शादी नहीं करेंगे, सप्तऋषि परीक्षा लेने गए हैं, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल वरदान, मैं शादी भोले बाबा के साथ करूंगी, चाहे भोले बाबा अवगुणों के भवन क्यों ना हो और विष्णु सकलों के धाम क्यों ना हो, शादी करूंगी मैं तो भोले बाबा के साथ करूंगी। जब अटल प्रतिज्ञा देखी तो भोले बाबा का श्रृंगार होने लगा, सिपाही शंभु गायन कह रही उस जमाने में आजकल कहां जाते हैं लड़का, पहले लड़की जाती थी ब्यूटी पार्लर, आजकल तो लड़का ब्यूटी पार्लर जाने लगे, अरे जमाना चेंज है।
तो बाबा आप ब्यूटी पार्लर नहीं जाएंगे? बाबा बोले जाएंगे, तो बाबा कोई किया नहीं, बाबा बोले अभी उतर दे, बाबा शमशान घाट में उतर गए और मुर्दे की राख जल रही थी वो डाल ली ऊपर। बाबा ये आप क्या कर रहे हैं, ये शादी में मुर्दे की राख?